टू बी क्रीम, सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज नहीं कर सकते जिनकी। हेलो डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो, दिस इज मी अलीना। और आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ इस एक कमेंट का वीडियो आंसर। ईद नजदीक आ रही है, बहुत से लोगों को इश्यू है कि हमारा रंग जो है वो फेयर हो जाए, व्हाइट हो जाए, और क्रीमें मेरे से पूछी जा रही हैं कि हमें रंग गोरा करने वाली क्रीमें बताएं। एक तो ये कि मेरे पेज के ऊपर, चैनल के ऊपर बहुत सी ऐसी क्रीम्स हैं, ऐसे सीरम्स हैं, ऐसे टोटके हैं, टिप्स हैं जो रंग गोरा करने में फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन स्लोली स्लोली। अब आप लोग कहेंगे 10 दिन बाद ईद है और हम गोरे चिट्टे होना चाहते हैं, तो इस तरह नहीं होता। बस ये है कि आप लोग अपनी स्किन को मेकअप के लिए प्रिपेयर रखें, उसको इतना नीट एंड क्लीन रखें कि आपकी स्किन जो है मेकअप के लिए अच्छी खासी रेडी हो। अच्छा, और अगर आप अपने कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करना चाहते हैं तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, इस स्क्रब को यूज करें। ये है सेंट आइव्स का एनर्जाइजिंग स्क्रब, ये कोकोनट एंड कॉफी का बना हुआ है, ठीक है। इससे आप लोगों ने 10 दिन रह गया ना, 3 बार आप अपने फेस की एक्सफोलिएशन कर लें, ठीक है, 3-3, 4-4 दिन के गैप से, 3-3 दिन के गैप से कर लें, और एक बार चांद रात को आप लोगों ने करना है, ठीक है। इससे आपने अपने फेस की स्क्रबिंग करनी है, इससे ये होगा ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे, स्किन जो है वो नीट हो जाएगी। स्टीम दे लें, स्टीम देने से पहले मतलब ये अप्लाई करने से पहले स्टीम दें, उसके बाद आप स्क्रबिंग कर लें, ठीक है। और इसके अलावा स्किन पॉलिश में आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप किसी अच्छे ब्रांड की स्किन पॉलिश यूज करें, या तो फिर केयर ब्लीच क्रीम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ओनली एक बार, ठीक है, चांद रात को ही आप यूज कर लें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 10 दिन रह गए इसमें आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को कॉफी का स्क्रब बनाना सिखाया था और कॉफी का मास्क सिखाया था, वो सब यूज करें। व्हाइटनिंग क्रीम के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये है 5-डे मैजिक ब्राइट टू बी क्रीम, सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज नहीं कर सकते, जिनकी नॉर्मल स्किन है डेफिनेटली वो यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 दिन यूज करनी है, और जिन 5 दिनों में आप लोगों ने सिर्फ इस क्रीम के अलावा और कुछ यूज नहीं करना, ठीक है। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, और बाकी ये कि जो होता है कॉफी का मास्क बना के लगाएं, बेसन का मास्क बना के लगाएं, इसके अलावा आप लोग शुगर का मास्क बना के लगा सकते हैं, ये सब चीजें आप लोगों के लिए फायदेमंद होंगी। तो क्रीम के बारे में जो लोग पूछे थे, क्रीम मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अलावा आप लोगों को सेल्फ पैम्परिंग करनी पड़ेगी डेली, कुछ ना कुछ आप लोगों को मास्क वगैरह अप्लाई करने पड़ेंगे, टमाटर का मास्क लगाएं, नींबू का मास्क लगाएं, इस तरह की चीजें अप्लाई करें, कलर फेयर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।